मंगलवार को राज्यसभा में पास हुए तीन तलाक के बाद धन्यवाद देने आज बीजेपी मुख्यालय पहुंची मुस्लिम महिलाएं। राज्यसभा में तीन तलाक बिल के पक्ष में 99 और विपक्ष में 84 वोट पड़े थे। वोटिंग के दौरान विपक्ष की वॉकआउट से सरकार को मिला फायदा। बीजेपी के चलाए गए सदस्यता अभियान में पार्टी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। घाटी में 1,00,000 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली। जम्मू कश्मीर में अक्टूबर नवंबर में हो सकता है विधानसभा का चुनाव। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के पार्टी नेताओं के कोर ग्रुप के साथ मीटिंग की। बैठक में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, बीजेपी महासचिव राम माधव और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी मौजूद रहे। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे पर सीबीआई ने दर्ज की FIR। पीड़िता की चाची का आज हुआ अंतिम संस्कार। पीड़िता की हालत नाजुक, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा, मुझ तक क्यों नहीं पहुंची पीड़ित की चिट्ठी। उत्तर प्रदेश में चरमराती कानून व्यवस्था पर प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार पर गिरी गाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी को राज्य का प्रमुख सचिव नियुक्त किया। पूर्व विदेश मंत्री MS कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक VG सिद्धार्थ का 36 घंटे बाद मंगलुरु के पास नेत्रावती नदी में शव मिला। पूर्व CM सिद्धरमैया ने VG सिद्धार्थ मौत मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। पुलवामा के मास्टरमाइंड फयाज पंजू समेत 2 आतंकियों को मार गिराया गया। पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में 1 महिला की मौत, तंगधार में भी 9 लोग जख्मी। NMC विधेयक के विरोध में देशभर के डॉक्टरों की हड़ताल। बुधवार सुबह 6 बजे से गुरुवार सुबह 6 बजे तक नहीं चलेगी OPD, चालू रहेगी इमरजेंसी सेवाएं। इंडियन एयरफोर्स ने मोबाइल बेस्ड एयर कॉम्बैट गेम को किया लॉन्च। ऑनलाइन गेम के जरिए फोर्स गेमिंग बूम को भुनाने के साथ ही युवाओं को आकर्षित करने का भी उद्देश्य। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की आज से सैन्य ट्रेनिंग शुरू। धोनी विक्टर फोर्स के साथ 15 दिन की करेंगे ड्यूटी। गश्त गार्ड और पोस्ट ड्यूटी पर सैनिकों के साथ रहेंगे तैनात।